أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم This is your computer science lecture number 4 In the previous lecture we have studied the reading of chapter number 2 computer memory and in now we will solve the exercise of chapter number 2 Open your computer books at page number from your exercise and let's get started This is your book and content computer memory page number 14 but your exercise will be on page number 19 okay students let's start first of all we will read the keywords bit is a single digit having the value either 0 or 1 ये एक सिंगल डिजिट होता है जिसमें 0 और 1 की वैल्यूज होती हैं इसके अलावा कोई भी डिजिट यूज नहीं होता बाइट क्या है बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं जो कि कंप्यूटर की मेमोरी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है रोम रीड ओनली मेमोरी इसमें हम सिर्फ मेमोरी को रीड कर सकते हैं इसमें हम राइट नहीं कर सकते कुछ और नहीं कर सकते सिर्फ जो इसको हम लगाएंगे इसमें जो मेमोरी है उसको रीड किया जा सकता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसमें हम रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं एंट्री भी कर सकते हैं ये डिफरेंस है सी डी आर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ये वो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो रिकॉर्डेबल होती है इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग्स की जा सकती हैं जबकि सी डी आर डब्ल्यू क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इसमें रीराइटेबल भी हैं ये इनमें एक दफ़ा जो डाटा एंटर कर दिया जाता है उसको इरेज करके हम दोबारा रीराइट कर सकते हैं कोई चीज़ जबकि सी डी आर में हम जो एक दफ़ा डाटा एंटर कर दिया जाता है उसको डिलीट या इरेज करके दोबारा से अगेन कोई डाटा एंटर नहीं कर सकते नेक्स्ट डीवीडी आप सबको डीवीडी के बारे में पता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ठीक है ये डिजिटल डिस्क होती हैं इनके अंदर डाटा स्टोर किया जा सकता है इसको हम क्या है शॉप से परचेज करते हैं और अपने कंप्यूटर में इसको लगा सकते हैं नेक्स्ट चूज़ दी correct option and write in the space provided zeros and ones are called dash digits zero और ones कौन से digits कहलाते हैं अभी हमने ऊपर पढ़ा है double binary unique binary hard disk is put inside the dash box hard disk किस में लगी होती है जिसने computer देखा होगा उसको पता होगा CPU box में hard disk को fix किया जाता है ROM is the dash memory ROM कौन सी memory है ये non volatile memory है इसमें जो है सिर्फ वही रहेगा वन बाइट कंटेन्स डैश बिट्स ये भी कीवर्ड्स में हमने पढ़ा है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं 6 7 8 8 इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट पार्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज विद मी ओके मशीन 1024 पेन ड्राइव रैम एंड रोम ऑप्शंस फर्स्ट वन इज़ डैश इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है इट्स आंसर इज रोम रीड ओनली मेमोरी सेकेंड वन डैश होल्ड्स द डाटा टेम्पोरेरली कौन है जिसमें टेम्पोरेरी डाटा होल्ड किया जाता है उसको चेंज किया जा सकता है उसको रीराइट किया जा सकता है वो है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी नेक्स्ट पेज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली डैश लैंग्वेज कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टूड करता है मशीन लैंग्वेज मैंने आपको पहले लेक्चर में भी ये चीज़ समझाई थी कि जब हम कोई डाटा एंटर करते हैं तो वो डाटा जो है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है डैश इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस जो किसी पोर्ट में लगाई जा सकती है उसको उतारा जा सकता है और डाटा यूज़ कर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है इट्स राइट आंसर इज पेन ड्राइव 1 MB स्टैंड्स टू डैश किलोबाइट 1 MB में कितने किलोबाइट्स होते हैं 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होते हैं आप अपने चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पेज ओपन करेंगे उसमें वन सिंगल बिट और बाइट से लेकर आपको टेराबाइट्स तक की सारी कैलकुलेशंस दी गई हैं जो मैंने आपको पढ़ाई थी सी पार्ट टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी की 3 टाइप्स हैं रॉन्ग है ये 2 टाइप्स होती हैं 1 byte consists of 8 bit एक byte में 8 bits होती हैं यस
रैम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रोम नॉन वोलेटाइल है। अ डीवीडी कैन स्टोर अ फुल मूवी, डीवीडी में फुल मूवी स्टोर की जा सकती है, येस इट्स राइट। पेन ड्राइव्स आर मच फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा फास्ट है, जी हाँ जी। इसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी USB, ओके। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दीज आर सेवन आंसर्स दैट वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट स्लाइड। ई इज़ एन एक्टिविटी एंड एफ पार्ट DVD, CD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क है। इसको हमने इसकी मेमोरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैचिंग करनी है। DVD 4.7 GB तक हो सकती है। CD आंसर डी है, 700 MB तक मेमोरी स्टोर कर सकती है। पेन ड्राइव का आंसर ए है, 32 GB तक पेन ड्राइव में हम मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, ओके। हार्ड डिस्क 550 GB, यहाँ पे 1 TB लिखा हुआ, इसको काटें, हार्ड डिस्क में 550 GB तक जो है वो स्टोर किया जा सकता है। एंड फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है, इससे ऊपर नहीं किया जा सकता। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स, नो योर पेज नंबर 20, इट्स ऑल्सो मैचिंग। पेन ड्राइव, दिस इज़ योर पेन ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क, दिस इज़ फ्लॉपी डिस्क, हमने पढ़ा था ये क्या है, एक प्लास्टिक कोटिंग के अंदर होती है। DVD ड्राइव, ये देखें DVD, CDs आपने देखी हुई है, और ये हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के अंदर, ये इट्स ऑल्सो मैचिंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आंसर्स, डिफाइन बाइट, बाइट को डिफाइन करना है। अ कंप्यूटर मेमोरी इज मेयर्ड इन बाइट, कंप्यूटर मेमोरी को बाइट में मेयर किया जाता है। अ बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, और उसमें 8 बिट्स होती हैं। देखिए बाइट जब ज़्यादा होती हैं तो फिर वो MBs और टेराबाइट्स और इनमें चेंज होती हैं। वट आर द टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की टू टाइप्स आपने लिखनी है। द टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर रोम, रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेम थ्री सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की आपने लिखी है, जो हम फिक्स्ड नहीं, जब हम चाहे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड DVD। वट आर द टू टाइप्स ऑफ CD, CD की टू टाइप्स बतानी है। अभी रिसेंटली हमने की टर्म्स में पढ़ा, CDR एंड CDRW। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वट इज़ अ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस विद द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 40 GB टू 1 TB, ठीक है। ये 40 GB से 1 TB तक का डाटा अपने अंदर हार्ड डिस्क जो है वो स्टोर कर सकती है। दैट्स मीन दिस वन इज़ द, यहाँ पे आपकी मैचिंग में ये जो ऑप्शन दिया गया है 1 TB, इट्स राइट, आप इसको इससे मैच कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CDR एंड CDRW। CDR डिस्क होती है हमारे पास, डाटा कैन बी रिटर्न ओनली वंस ऑन दिस डिस्क, इनमें सिर्फ एक दफ़ा डाटा हम राइट डाउन जो करते हैं उसको कर सकते हैं। एंड कैन नेवर बी अरेज्ड, और फिर उस डाटा को हम अरेज नहीं कर सकते, वो फिक्स रहता है। वाइल ऑन CDRW डिस्क यू कैन अगेन स्टोर एंड इरेज डाटा, उसमें आप अगेन एंड अगेन जो चीज़ें स्टोर करते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं, और उसमें दोबारा से कोई नया डाटा स्टोर कर सकते हैं। वट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का बेसिक यूज़ क्या है। USB, अ पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ये पोर्टेबल डिवाइस होती है, जो पोर्ट्स होती हैं CPU के अंदर, उसमें इनको लगाया जा सकता है इजीली, और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा स्टोर कर सकती हैं, 32 MB तक। यू कैन इजीली स्टोर एंड ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाय यूजिंग इट, आप एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में बहुत इजीली पेन ड्राइव के जरिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोस्टली ये बच्चे, आप लोगों को पता है इस चीज़ का, हम एक कंप्यूटर से USB में डाटा लेते हैं, दूसरे कंप्यूटर में जाके वही USB लगाते हैं और उसे वहाँ पर डाटा कॉपी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम ऑफ डायरी। डू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक, सॉल्व द एक्सरसाइज ऑन बुक एंड लर्न द कंप्लीट चैप्टर। आप टाइटल पेज रेडी कर चुके हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए थे वो आप उस पर अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट नीचे आपने लिखना है आंसर, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, और फिर ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने 7 आपको दिए हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी नोटबुक में होमवर्क करना है, और जो एक्सरसाइज है वो आपने अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करनी है, और ये कंप्लीट चैप्टर आपका फॉर लर्न है आपके नेक्स्ट लेक्चर तक। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।